मध्य प्रदेश में भारत सुरक्षा मंच सीए के समर्थन में 12 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालने जा रहा है। इस संगठन को भाजपा समेत दूसरे सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन अभी तक इस यात्रा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, क्योंकि जिला प्रशासन ने इस दिन पीएससी परीक्षा का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया। यात्रा चिमनबाग मैदान से शुरू होनी थी, जहां सरकारी स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया, लिहाजा अब तिरंगा यात्रा दशहरा मैदान में आयोजित होगी। हालांकि अभी भी रैली की अनुमति को लेकर असमंजस की स्थिति है। भाजपा नेताओं का कहना है, अनुमति मिले या न मिले, तिरंगा यात्रा आयोजित होगी। यात्रा में 2 लाख लोगों के शामिल होने का लक्ष्य है। इस मामले में कांग्रेस ने भारत सुरक्षा मंच नामक संस्था के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया, जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की। मुझे लगता है कि ये तो समाज का मामला है और समाज जो चाहेगा तय करेगा, हम उनके साथ हैं। ये शहर का मामला, शहर के सभी लोग जो चाहेंगे वो जो तय करेंगे उसमें हम शामिल रहेंगे। अगर परमिशन नहीं दी तो फिर हमारा परमिशन है। अगर समाज निकलेगा तो हम समाज के प्रतिनिधि हैं, शहर के प्रतिनिधि, उनके साथ निकलेंगे। सीधे कलेक्टर को एक पत्र लिखा है और शिकायत भी की है कि भारत सुरक्षा मंच अगर परमिशन मांग रहा है रैली की, तो भारत सुरक्षा मंच को दी जाए। उसके जितने सदस्य हैं, उस भारत सुरक्षा मंच के 100 सदस्य भी नहीं है, ना उसका रजिस्ट्रेशन है, ना उसका कोई अता पता है।